This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन वेलकम टू बिज़नेस टुडे, मैं हूं अली नासिर। जिन मौजूदात के ऊपर हम रोज़ाना की बुनियादों पर गुफ्तगू करते हैं वो है बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इसके अलावा बैन अलाक़वामी और मुकामी मंडियां। हमेशा की तरह जैसे आप देखते हैं कि इस तरह की हाइप क्रिएट हो जाए तो मार्केट में किस तरह की तेज़ी आ जाती है। लेकिन कल कुछ राज थे जिनके ऊपर से आप लोगों के सामने पर्दा भी उठाया। इसके साथ साथ मेरे साथ आज मेज़बान और मेहमान के किरदार में जनाब फ़हीमुज़्ज़मा साहब होंगे जो कि एफ़मा की नुमाइंदगी करते हैं हमारे खत्ते में। वेलकम करूँगा आपको शो में। अस्सलामुअलैकुम और सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम और आपको भी बहुत बहुत सुबह खैर। बड़े जोश में आप कहते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ कि कल शिटाक एक्सचेंज के अंदर फिर जो है वो इजाफा हमने देखा और नफसियाती हद, तो खैर हर नफसियाती हद जो है वो उबूर हो चुकी थी है, लेकिन यह है कि मुस्तकबिल में आने वाले दिनों के अंदर शायद इससे भी ज़्यादा हम देखें। एक वक्त पर आपको पता होगा कि तारीख की बुलंद तरीन क्या हर किस्म की नफसियाती हद को तोड़ता हुआ कितना ऊपर चला गया था मार्केट का इंडेक्स, लेकिन फिर उसके बाद थोड़े से हालात नॉर्मल हुए, आगे जाके और नॉर्मल होंगे। कल मेरी दोपहर में गुफ्तगू हो रही थी एहसन मेहनती साहब के साथ जो कि आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के सरबराह हैं, तो उन्होंने बताया तफसीलन, क्योंकि मैंने वो दो सतर पढ़े थे उसमें लिखा हुआ था कि मई 2017 के सेमी एनुअल रिव्यू का जिक्र था, तो हमारे लोगों को पता है। मैंने अपने पहले फैजल मेहमान से ही पूछा व्हेन इज़ द मनी गोइंग टू एक्चुअली कम इनटू द मार्केट, तो टुमारो, डे आफ्टर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, तो उसमें उन्होंने क्लैरिटी दे दी कि बेसिकली ये पैसा मई 2017 के बाद आएगा। खैर, कल की गुफ्तगू के दरमियान जो है वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जिक्र भी निकल आया, तो मैंने खैर पता नहीं कि आपकी नज़र से वो गुजरी हो बात। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के जो को प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, उनका नाम है विजय चंद्र आडवाणी और गुड़गांव मुंबई के अंदर उनका बेसिकली दफ्तर, और इससे पहले वो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस देखा करते थे और इमर्जिंग मार्केट्स में रिटेल को भी देखा करते थे। नाज़रीन जाके देख सकते हैं, बेसिकली गोरा काला भी हो सकता है, काला गोरा भी हो सकता है। हमारे लोग मार्क मॉर्बियस, मार्क मॉर्बियस, मार्क मॉर्बियस, एक नाम याद हो गया मार्क मॉर्बियस, मार्क मॉर्बियस, वो करते रहते हैं। ये पूरा फ्रैंकलिन रिसोर्सेज यानी पूरा का पूरा इदारा, उसका को प्रेसिडेंट जो है वो विजय चंद्र आडवाणी है। ये जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने ओजीडीसी में पैसे लगा दिए, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन हर एक को 440 वोल्ट के लगते रहते हैं शॉक, वो बेसिकली ये है, और एवरेस्ट पाकिस्तान से बहुत पहले विड्रॉ कर चुका है। वैसे ही लोगों को बता रहा हूँ कि ये गोरा, इसके बारे में मैंने आर्टिकल भी लिखे, बैन अलाक़वामी सतह पर उनकी पजीराई हुई है कि ये नामालूम गोरा कौन है। अब गोरा आएगा, ऐसे नहीं कि नहीं आएगा, आएगा मई 2017 में आएगा बकौल हमारे माहिर के, और उन्होंने जिस तरह से मार्केट को देखा समझा मैंने आपके सामने बताया, तो ये बात है। रेगुलेटर को ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको पता ही ना हो, लेकिन जाहिर बात है वो जिन फाजिल मेहमान से मैं बात करता हूँ उन्होंने कहा कि अभी हमें अपने दरवाजे इन्वेस्टमेंट के खोलने हैं, तो कोई बात नहीं भाई, पेप्सी भी तो पाकिस्तान में, मतलब मुख्तलिफ ब्रांड्स, ब्रांड्स का मैं नाम नहीं ले रहा, बट यू नो पेप्सी को इंटरनेशनल इज ओन्ड बाय, सॉरी इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज इंदिरा नूई, राइट, और दिस अपॉइंटमेंट ऑफ विजय चंद्र आडवाणी इन ऑगस्ट 2015 इज इक्वेटेड टू सत्या नदेला, दैट बॉय हु हेड्स गूगल, आई कैंट रिकॉल मिस माइक्रोसॉफ्ट, नहीं द बॉय हु हेड्स गूगल इज ऑल्सो बिकॉज दे हैव टर्न्ड इट इनटू अल्फाबेट, बट द वन हु टेक्स केयर ऑफ गूगल इज ऑल्सो इन इंडियन, राइट, एंड ऑफ कोर्स देर आर मेनी सीईओज, लेकिन दे इक्वेट द अपॉइंटमेंट ऑफ वी सी आडवाणी इक्वेलेंट टू दैट ऑफ दैट। आप चाहें तो इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टाइम्स का जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप देख सकते हैं कि उनकी क्या अहमियत है, और बेसिकली उन्होंने हिंदुस्तान को बतौर एक मार्केट के तौर पर एक्सप्लॉइट करके दिखाया उनको। मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा था, मतलब हमारे लोग कहते हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, नाम कोई भी रखा जा सकता है यार, मैं और आप यहाँ बैठ के कोई भी नाम रख दें, इंग्लिश माइकल रिचर्ड्स एंड कंपनी, पीछे जो मालिक होगा या पीछे जो चलाने वाला होगा दैट्स इंपॉर्टेंट। मैं किसी एक, मतलब इसीलिए मैंने कहा थोड़ा मैं वाजे कर दूँ, देयर मस्ट बी क्लैरिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मल्टी नेशनल ब्रांड हियर, बट यू नो सो मेनी मल्टी नेशनल ब्रांड्स आर आउट देयर, बट व्हेन इट कम्स टू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट द स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्ट्रेटेजिक एसेट, इफ यू अलाउ समवन टू प्ले विद इट, आई डोंट नो मे बी आई माइट बी ऑल टुगेदर रॉन्ग,
क्या पता इस चक्कर में मेरा मुझसे सवाल भी हो जाए, होता है ना एक सवाल कि आपने नाम क्यों ले दिया वीसी आडवाणी का, आपको नहीं लेना चाहिए था, वो तो हमारे मुल्क में नोटू लगा रहा है, समझा करो। इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सूरज के पास जाके पर जल जाते। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कैपिटल मार्केट्स, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस, कमोडिटीज़ मार्केट, जो कोई भी चीज़ है, ये ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का जो है ना ये पार्ट है। इसके अंदर आप ट्रांसपेरेंसी से विन कर सकते हैं, रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन से नहीं कर सकते। जी जी। अब देखिए, अगर कोई इंडियन है या श्रीलंकन है या नेपालीज है या म्यांमार का है, उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक कंपनी की एक या एक जो ग्रुप की होती है, एक स्ट्रेटेजिक फोकस होती है। डेफिनेटली कल बात यही हो रही थी कि पूरा इतना बड़ा फर्रा उन्होंने जब रिलीज़ किया तो उसमें आखिर में पाकिस्तान का नाम था, इससे पहले दिबाचा तो था उसके जो चाइना का था। तो हमें कोई इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, जो फैक्ट्स है वो तो फैक्ट है, जो फैक्ट है वो जो जो मार्केट रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, वो तो ग्राउंड रियलिटी है कि अब एक नया फेज शुरू हो गया है अपनी तारीख के अंदर, पाकिस्तान की तारीख के अंदर, जहाँ पे स्टॉक मार्केट की और कैपिटल मार्केट्स की तारीख में, जहाँ पे एक अच्छी खुशाइंद इकदाम है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। लेकिन इससे इसके ऊपर खुश होकर बैठ नहीं जाना चाहिए। कुछ जो हमारे बहुत अच्छे एनालिस्ट्स हैं और सियासत में भी हैं और उनका कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर भी काफ़ी नाम रहा है, उन्होंने यही बात कही है कि हमारे पास GSP प्लस भी था, हमने कितना उसको यूटिलाइज किया जी। और वही बात है कि अभी कल की खबर यही है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स आपकी जो हैं वो 7.7% डिक्लाइन हुई हैं GSP प्लस के बावजूद। अच्छा, ये आपने चूँकि जिक्र किया तो मैं बताता चलूँ कि असल में फॉरेन डिप्लोमेटिक कोर हमारा प्रोग्राम बड़े गौर से सुनती है, तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात करना चाहूँगा ब्रेग्जिट के रेफरेंस में, चूँकि आप बात कर रहे हैं, जो आपने जो दूसरा जाविया बताना है अभी हमें, तो आई वुड लाइक टू ऑफर कंडोलेंसेज फ्रॉम आवर साइड, माइन एंड योर्स एंड अदर्स इन पाकिस्तान ऑल्सो हु आर कंसर्न्ड सिटीजन्स फॉर द लेडी MP जो कॉक्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंग्लैंड, एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट सच इंसिडेंट्स टेक प्लेस, हाउएवर वी शुड नॉट अलाउ हेट्रेड टू प्रिवेल, सो प्लीज़ एक्सेप्ट, I would want the British people and the British Parliament and everyone who is associated with Jo Cox, especially her husband and her two children, to accept our condolences. Nothing can make up for this loss. We are with you in this difficult time. And of course, like क्योंकि हमारे बहुत सारे नाज़रीन देखें, बर्तानवी शहरी भी हैं, बर्तानी मतलब पाकिस्तानी निजात बर्तानवी शहरी भी हैं, और कल ये जो एक वाक्या पेश आया लंदन के अंदर, बड़ा ही अफसोस, सॉरी लंदन में नहीं हुआ, ये नॉर्दर्न इंग्लैंड के अंदर लीड्स के नज़दीक एक शहर है, आपको पता नहीं जाने का इत्तेफाक हुआ, लीड्स के पास, नहीं लीड्स नहीं गया मैं उसके नज़दीक गया हूँ, बड़ा ही खूबसूरत इलाका, यकीन करें अगर आपने जन्नत का मंज़र मतलब देखना है तो बेशक अल्लाह ताला ने उस मुल्क को, उस मुल्क के लोगों को इतनी नेमतें दी हैं, और सबसे बड़ी नेमत उनको बर्दाश्त की दी है। कल एक मुनफरिद वाक्या पेश आया, मेरे ख्याल वो बता रहे थे 1990 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ, और वो बर्दाश्त इतनी खूबसूरत है बरतानवी कौम के अंदर कि आप देखिए कि सादिक खान जो कि कराची से उनकी फैमिली आई है, बेशक वो बरतानिया में पैदा हुए, लेकिन उनको भी अपने मुल्क का मेयर बना लिया है, तो ये एक उनकी बड़ी अहसन मिसाल है, लेकिन अफसोसनाक चीज़ें भी हो जाती। वी शुड ऑलवेज़ इनक्रेज द इन्वायरमेंट ऑफ टॉलरेंस, मेरा हिसाब। ऑफकोर्स, ये बहुत आपने अहम बात की। देखें, इस तरह के जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं, ये बहुत हमें बहुत अफसोस है इसके ऊपर। जी जी। अच्छा, अब जो आपने ब्रेक्सिट की बात की, ये बहुत जी बहुत जी बड़ा ये वही मामला उसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, तो ये ब्रेक्सिट जो हो रहा है, अगर हो जाता है ब्रेक्सिट, ज़रा से नाज़रीन को बताने के लिए थोड़ा सा ये बता दें कि यूके के अंदर, बरतानिया के अंदर रेफरेंडम हो रहा है कि वो क्या यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये डेविड कैमरून का एक इलेक्शन प्लेस था कि अगर कंजर्वेटिव टूरीज जो हैं वो आए हुकूमत के अंदर, तो वो उनके जो सपोर्टर्स हैं खास तौर पे,
उन वो क्योंकि एंटी ईयू उनकी काफ़ी वो दे आर समबडी हु वांट्स टू लीव यूरोपियन यूनियन, तो वो उनका इलेक्शन प्लेस था जो कि वो अभी कंप्लीट वो कर रहे हैं। अच्छा, इसमें लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी मिल के जो उनके एग्ज़िट के जो हामी लोग हैं उनके खिलाफ लड़े, यानी कि दो जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने, मेरे ख्याल बोरिस जॉनसन साहब जो साबिक मेयर हैं वो इस हक में हैं कि बरतानिया छोड़ दे। जी हाँ, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं। अच्छा। और कहा जाता है कि उनके वो ही गॉट अ शॉट टुवर्ड्स बिकमिंग द लीडर ऑफ टूरी पार्टी। तो कंजर्वेटिव्स के अंदर एक डिवीज़न है, बहुत 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 ही स्ट्रॉन्ग डिवीज़न है। यूके आईपी वहाँ पे एक पार्टी है, इंडिपेंडेंस पार्टी। जी हाँ, जो कि जी हाँ, जो कि दे आर अ फ्रेंच पार्टी। ठीक है, हम उनको एक फ्रेंच पार्टी कह सकते हैं। और उनके चंद ख्यालात इमिग्रेंट्स के बारे में और ख़ास तौर पे उन लोगों के बारे में जो कि नॉन वाइट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो लोगों को दाएं बाजू का आप ऐसे तसव्वुर कर लीजिए हमारे यहाँ जैसे मुल्क में कहा जाता है, दाएं बाजू से ज़्यादा वो कलर कॉन्शियस काफ़ी हैं। तो रेस के जी हाँ, तो और ख़ास तौर पे वो यूके की जो इंटेग्रिटी है और उनका जो ओरिजिनल फ्लेवर है उसको रखने के हामी हैं। जी जी, उनके अपने ख्यालात हैं और उनके क्रिटिसिज्म जो होता है उनके क्रिटिक्स अपने, कहने का मकसद लेकिन कह रहे हैं टक्कर का मुकाबला होगा, कहने का मकसद हामियों का और मुकाबला। अभी स्पेक्टेटर और सन ने एग्जिट को सपोर्ट किया है, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। स्पेक्टेटर और जी हाँ, यानी बरतानिया ईयू से निकल, यानी कि वो निकल जाए। और उसके अंदर एक दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रही हैं कि फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर के ऊपर और इमिग्रेंट्स गेटिंग द जॉब्स यूके, ईयू इमिग्रेंट्स गेटिंग द जॉब इन यूके, खासतौर पे ईस्टर्न यूरोपियन जो इमिग्रेंट्स हैं। कोई उसके अंदर इतनी ज़्यादा ये बात नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से उठ के चले गए लोग और वो हो गया, वो है लेकिन वो यूरोपियन यूनियन के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे वो काफ़ी हो रहे हैं। अब अगर ऐसा हो जाता है, अगर मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त 6% लीड है जो लीवर्स हैं उनकी, और अगर जो टुगेदर जो उनकी है अगर वो नाकाम हो जाते हैं और यूरोपियन यूनियन के ख़िलाफ़ ब्रिटिश अवाम का एक वो फैसला आ जाता है जो कि नॉन बाइंडिंग है, ये नॉन बाइंडिंग है, यानी ये वो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करेगी, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है और तो बहुत बड़ा इसका इसकी इम्प्लिकेशंस होंगी। और आप देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस की प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं, येन की प्राइसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इसके अलावा और युआन सस्ता हो रहा है, मजबूत हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि येन के उनकी मईशत कमज़ोर क्योंकि ये एक कंजर्वेटिव करेंसी समझी जाती है, एक कैरी ट्रेड होता है। कैरी ट्रेड ये होता है कि आप ज़्यादा पैसे निकाल लेते हैं बहुत कम शरह सूद के ऊपर, और आप जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा होता है आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जब भी कोई वो ऐसा क्राइसिस आना शुरू होता है या क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो उस वक्त ये सारा पैसा निकल के वापस चला जाता है सेफ हेवेंस के अंदर। तो जापान सेफ हेवेंस समझा जाता है, स्विट्ज़रलैंड सेफ हेवेंस समझा जाता है, तो स्विस फ्रेंक, जैपनीज येन, गोल्ड, ये ऐसी कंजर्वेटिव करेंसीज हैं जिसके अंदर चला जाता है। अगर ये हो जाता है तो एक बहुत बड़ा स्विस फ्रैंक इज स्टिल अ फिजिकल करेंसी, हाँ स्विस फ्रैंक तो है, बट यूरो इज एक्सेप्टेबल इन स्विट्ज़रलैंड, हाउएवर जैसे पाकिस्तान के अंदर एक्सेप्टेबल है, हाँ मतलब इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल है, बट दे हैव देयर इंडिपेंडेंट स्टेटस, सीएचएफ इज कोटेड। जी हाँ, मैंने कहा थोड़ा नाजरीन को बता दें। जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड तो नॉन अलाइंड रहा था, आज डॉयचे मार्क डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, डज इट? हाँ, फ्रेंच फ्रैंक नहीं है, डॉयचे मार्क नहीं है, इटालियन लीरा नहीं है, स्पेनिश करेंसी नहीं है, पोर्चुगीज करेंसी नहीं है, वो तो सारी जमा हो गए ना, तो 16 कंट्रीज बिकम द यूजर्स ऑफ द यूरो करेंसी। हाँ, यूरो है, हाउएवर सीएचएफ स्टिल एग्जिस्ट्स व्हिच इज अ स्विस फ्रैंक, जो कि 500 साल से 600 साल से स्विट्जरलैंड ने अपनी एक नॉन अलाइंड स्टेटस रखा हुआ है, एंड दे स्टिल नॉट पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन बिकॉज़ दे आर न्यूट्रल, दैट्स देयर क्लेम। अच्छा, एक और जो चीज है कि टर्की, अभी जो बात आ रही है ब्रेक्सिट के अंदर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि टर्की विल बिकम अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड टर्क्स विल फ्लड
यूके, ये जो 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 लीवर्स हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि टर्क्स विल फ्लड यूके, और वो एक जाता है कि मुस्लिम्स विल फ्लड क्रिश्चियन बैक्शन, जो कि कुछ फ्रेंच पार्टीज बहुत ज़्यादा फोकस कर रही होती हैं। और इस वक्त एक सर्ज आया है ऑस्ट्रिया के अंदर, फ्रांस के अंदर एक्सट्रीम राइट विंग पार्टीज का। तो टर्की के अंदर भी मैं जब गया हूँ तो मैंने ये देखा कि टर्की के अंदर अर्बन रूरल डिवाइड मुझे थोड़ा बहुत दिखाई दिया है। उसके साथ साथ एक और चीज़ मैंने देखी है कि देयर इज अ एंटायर स्ट्रीम ऑफ वेरी वेरी लिबरल पीपल एंड एंटायर स्ट्रीम ऑफ पीपल हु स्टिल हैव कंजर्वेटिव आइडियाज। जी हां, अनातोलिया और इस्तांबुल का डिफरेंस है, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग डिफरेंस। आई हैड द एक्सपीरियंस द रीजन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, वंस यू गो देयर यू सी थिंग्स आर डिफरेंट। देखिए, लोगों को ये अंदाज होना चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि तुर्की एक मुल्क है और सब एक जबान एक मुल्क, यानी कि एक जबान होकर पूरी आवाम बोलती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कौमियतें हैं, मुख्तलिफ जबान के लोग, मुख्तलिफ पॉलिटिकल व्यूज के, सियासी नजरियात के लोग हैं, वहाँ पे भी है और वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। बड़ा खूबसूरत है ये क्योंकि शहर है इस्तांबुल। लोगों ने तो वो कश्ती के ऊपर प्रोग्राम ही देखे, पाकिस्तान के ऊपर तो टीवी प्रोग्राम ही आते हैं। वैसे भी इस्तांबुल शहर जो है, जो पहले कुस्तुनतुनिया कहलाता था और कॉन्स्टेंटिनोपोल कहलाता था, कॉन्स्टेंटिनोपोल उर्दू में ये लोग कहते, या अरबी के अंदर पहले कुस्तुनतुनिया कहते थे ना उसको, दैट्स बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंटीन। तो वो बड़ा ही खूबसूरत किस्म का शहर बना हुआ है। और ये जो हमारे लोग कहते हैं जन्नत है तो यहाँ है, वहाँ है, कहाँ है, यहाँ है, ये सब चीज़ें वहाँ जाके वाजे हो जाती हैं कि जन्नत कहाँ है, किधर है, किधर है। और यकीन करें, ऐसे खूबसूरत लोग, आपका तो चेहरा भी थोड़ा तुर्कियों जैसा है, तुर्क लोगों जैसा है, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन ये कि वहाँ पर तुर्क लोग जो हैं बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, मैंने जो देखा, बिल्कुल ये जो ड्रामों के अंदर आते हैं ये भी बिल्कुल वही लोग हैं। यहाँ पर भी हमारी रेपुटेशन अब बहुत ख़राब हो गई, पहले हमसे बहुत मोहब्बत करते थे पाकिस्तानियों से, लेकिन कुछ ह्यूमन स्मगलिंग के कुछ इंसिडेंट्स इतने ज़्यादा हुए कि अब कुछ इश्यूज कन्फ्रंट करने पड़ते हैं। वैसे टर्क्स एंड मलेशियंस आर वेरी वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स पाकिस्तानीज, ऑल नॉन अरब कंट्रीज दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली। मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूँ, लोग कभी कभार मेरी ईरान की हुकूमत पर तनकीद को गलत समझ लेते हैं, लेकिन ईरान के जो लोग हैं, ईरान की जो आवाम है, पाकिस्तानियों को बहुत पसंद करती है। मसला ईरान की हुकूमत के साथ है। अगर आप वैसे भी इंटरनेशनली रहेंगे, ऑब्वियसली हर एक के अपने फ्लॉज होते हैं, हमारे बारे में भी तो लोग कहते होंगे ना, जैसे ये फ़लस्तीनी हैं, इनका और GCC कंट्रीज़ वालों के रवैये तबीयत में फ़र्क होता है। आप तो रहे हैं लोगों के साथ, लबनानी हैं, उनके रवैये फ़लस्तीनियों से बिल्कुल फ़र्क हैं, जबकि दोनों साथ साथ हैं, है ना। और उर्दन वाले जो हैं उनके भी रवैये फ़र्क हैं, तबीयत मिजाज बिल्कुल फ़र्क हैं। इजिप्ट वाले जो हैं वो हमारी तरह के थोड़े डेढ़ होशियार हैं, वैसे बता रहा हूँ, डेढ़ होशियार हैं। मैं वैसे बता रहा हूँ, देखो तो सारी जो आपने बात की ना, बड़ी खूबसूरत बात की कि मुख्तलिफ कौमियतों और शहरियतों के लोग जो हैं वो हर जगह बसते हैं, एक मुल्क के अंदर भी मुख्तलिफ लोग हैं। लेकिन एक सवाल था मेरे जहन, मैं अमूमन पंजाबी में गुफ्तगू करता हूँ, अमूमन पंजाबी में गुफ्तगू करता हूँ, कभी कभार टेलीविज़न प्रोग्राम पर भी शुरू कर देता हूँ, तो लोग मुझ पर तोहमत लगाते हैं कि ये पंजाबी है। उस सिलसिले में मुझे कुछ इस वजह से बुरा भला कह देते हैं कि मैं पंजाबी हूँ। फिर जब मैं उर्दू में बात करता हूँ तो आप बिल्कुल नहीं तफरीक कर सकते कि मैं पंजाबी भी बोलता हूँगा, तो जब मैं उर्दू बोलता हूँ तो लोग ऐसा तस्वर करते हैं कि मेरी कौमियत कुछ और है, मेरे बारे में एक मुख्तलिफ राय बना लेते हैं। जब मेरा नाम सुनते हैं तो किसी मसलक के साथ मुझे एसोसिएट कर देते हैं, जब उनको पता लगता है कि मैं नहीं हूँ तो मेरे बारे में राय तब्दील कर लेते हैं। आप दूसरे मुल्क के अंदर रेसिज्म के बारे में बात करें, दूसरे मुल्कों के अंदर मुतासिब होने की बात करें, हमारे अपने मुल्क के लोगों के बारे में भी तो बताएं, जहाँ तासुब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतना बढ़ चुका है। फहीम साहब, पढ़े लिखे लोग जब कौमियतों में पड़ जाएँ, मसलकों में पड़ जाएँ, इलाकाइत में पड़ जाएँ, यकीन करें इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता अगर इसके ये रवैये रहे। मैंने आपको अभी सामने मिसाल पेश कर दी ना, मैं अपनी ज़ुबान बदलता हूँ तो लोग मेरी तरफ रवैया बदल लेते हैं, जब उनको ये पता लगता है मैं पीछे से कहाँ से हूँ, किस शहर से बिलोंग करता हूँ, तो अपने रवैये बदल लेते हैं। जब उनको लगता है कि मैं एक मखसूस मसलक का हूँ तो मेरे बारे में कुछ और रवैया समझते हैं, जब मैं किसी और मसलक का निकलता हूँ किसी और कोई और रवैया रखते हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, हम तो नहीं चल पाएंगे आगे, इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, एक बात कॉन्ट्रोवर्शियल है थोड़ा मामला, लेकिन है बड़ा संगीन। अच्छा, मैं ज़रा से एक बात इस पर कह दूँ, अगर आप और मैं एक ज़बान बोलेंगे ना, अगर फ़र्ज़ करें हम तुर्की में हैं और हमें तुर्किश आती है, या हम ईरान के अंदर हैं और हम फारसी बोल रहे हैं,
ठीक है, हमारी ज़रूरत है कि हम फ़ारसी बोलें, लेकिन जैसे ही आपको मालूम होगा कि अली आप जो हैं वो उर्दू बोल सकते हैं और फ़हीम को उर्दू आती है, हम फ़ौरन स्विच करेंगे उर्दू के अंदर। ठीक है, तो एक तो बात यह है कि उनसियत का उनसर जहाँ आता है वो तो ये तो एक नेचुरल बात है ना, कि अगर आपसे मुझे उनसियत महसूस होगी तो मैं आपसे क्लोज महसूस करूँगा, तो वो इसके अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, नफ़रत नहीं करना चाहिए, उनसियत आपकी होती है, और अगर इन सारे मामलों में पड़ेंगे तो हम अपना ही बुरा करेंगे। और क्या करते हैं, जहाँ ये बातें होती हैं, जहाँ नाइजीरिया के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, एक मुल्क हुआ करता था यूगोस्लाविया यूरोप के अंदर, देखिए वहाँ पर क्या हुआ, फिर तीन कौमियतों के चक्कर में क्या कतरो गारत हो गई। तो क्या आज तीन निकले ना उसमें से, सर्बिया निकला, क्रोएशिया निकला, और अपना ये बोस्निया निकला। बोस्निया के अंदर सर्ब्स, क्रोट्स और मुस्लिम्स थे, और उधर क्या हुआ था देखो क्या। ठीक है, एक मुल्क था बेचारा, और दो मुल्क थे, उनका नाम था रवांडा और बुरुंडी। ओहो, वहाँ भी कौमियत में हुटु और क्या था वो, हुतु कबीला हुतु था और तुत्सी कबीला था, इन लोगों के आपस में। आज बुरुंडी के अंदर अभी भी कत्लो गारत होती है, रवांडा जो है वो आज का सिंगापुर और हांगकांग बना हुआ है, आपने मुझे बताया था। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने ये लेजिस्लेट कर दिया है कि आपने अब अपनी कौमियत के बारे में बात नहीं करनी, उन्होंने बहुत एक्सट्रीम के ऊपर जाके बात की है। लेकिन ना ये मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। अब मैं नेट पर जाता हूँ या मैं जैसे लाहौर शहर जाऊँ या और शहरों में जाऊँ तो वो ओनरशिप लेते हैं मेरी, लेकिन अब मैं एक जहन में एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बात ये कि कौमियतों में डूबे हुए इस मुल्क के अंदर क्या कर सकते हैं। नहीं, देखें एक अली बिग बात यह है कि ये मसाइल बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत सारे मुल्कों में है, सिर्फ पाकिस्तान की ये, लेकिन पढ़े लिखे लोग अगर इसको ओवरकम नहीं कर पा रहे, देखिए तो उसको हम उसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो बात ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रही है, जो एक डिफरेंस ऑफ वो आ रहा है, इनकम लेवल आ रहा है, पॉलिटिकल जो है लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री हो रहा है, ये सारी अन इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो रहा है, और ये बहुत सारे पॉलिटिकल पावर और लोग एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, मास मीडिया का दौर आ गया है जहाँ पे अनकंट्रोल्ड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, और बहुत सारे अवामिल आ रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है जिसके अंदर स्लम्स बन रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आर्म गैंग्स आ रहे हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स आ रहे हैं। क्या मुंबई के अंदर नहीं है मामला यार? सही है, ठीक है, तो हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसना नहीं चाहिए, ठीक है, अपनी इसलाह ज़रूर करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसलाह की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं फ़हीम साहब, मैं आपको सच बता रहा हूं, प्रोग्राम के अंदर मैं पहले दीगर ज़ुबानें बोल लेता था, मैं देखता हूं ऐसा लोग आगे से लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, इसकी बुनियादी वजह हसद तासुब। नहीं, अगर आप कोई दूसरी तनासुब कम होना चाहिए उसका हर माशरे में। देखिए हमने मलेशिया का जिक्र किया, ऐसे नहीं कि वहाँ पर तासुब नहीं, तासुब है दिल में है, मैं आपको राज की बात बता रहा हूँ, दिल में है। आप जाएंगे आपको वहाँ पे रवैयों से महसूस होगा हल्का फुल्का। 10 साल पहले गया था ना, तो तमिल, मले और चाइनीज़ तीनों साथ बैठ के खाते थे, तीनों स्टूडेंट साथ चला करते थे, सब हाथ में हाथ। अब जब मैं गया तो मैंने देखा टोलियाँ अलग-अलग हो। नहीं, ऐसा नहीं है मलेशिया की, बेहतर इंटीग्रेशन। नहीं, इंटीग्रेशन की देखिए बात यह है कि सियासतदान जो हैं, ख़राब सियासतदान, वो तो जो है डिवाइड क्रिएट करेंगे ना, वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। तो ये सियासतदान क्रिएट करते हैं डिवाइड्स, इंसानों के आपस में कोई डिवाइड्स नहीं। जो ज़रा सा कोई भी समझदार आदमी होगा उसके लिए ये नहीं है पीएचडी या मास्टर्स या एमबीए करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक महज़ब आदमी होगा जो कि थोड़ी सी समझ रखता होगा, जो कि थोड़ा सा अल्लाह को याद करता होगा, या जो थोड़ी सी अकदार के ऊपर बिलीव करता होगा, वो इस देखें अच्छे बुरे लोग हर कौम में होते हैं, ये बात तो है, अच्छे बुरे हर कौम में होते हैं। मुझे यकीन करें, अमेरिका में गया हूँ, सियाफाम लोगों के अंदर फरिश्ता सिर्फ लोग मिले, बहुत फरिश्ता सिर्फ लोग मिले, लेकिन चंद लोग ऐसे भी होंगे जो जराइम में मुलविस होंगे। इसी तरह सफ़ेद फाम लोगों के बारे में हमारे लोगों के बहुत सारे तासुरात हैं, कभी कभार आप कहते हैं, यकीन करें गोरा साहब के अंदर भी अजीब अजीब किस्म के लोग होते हैं और बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। इंसान तो इंसान है। ये किन चीज़ों में हम लोग पड़ गए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, और मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं हो पा रही। इस वजह से यू विल बी शॉक्ड कि बिजनेस इंडस्ट्रीज अपने व्हाट्सएप के ग्रुपों पर
एक दूसरे के साथ इन मौजूदात के ऊपर लड़ाइयां कर रहे होते। कम आउट में आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट बेसिकली बिजनेस, तो लोग वैसे ही कहते हैं कि नोटू जहां आ जाए तो लोग इन चीजों को भूल जाते हैं। हमारी कौम की खामी यह है कि नोटू के चक्कर में भी इस चीज को नहीं भूलते, अना को ले आते हैं, कौमियत को ले आते हैं, सूबाइयत को ले आते हैं, इलाकाइयत को ले आते हैं। इन चीजों को ज्यादा डिस्कस करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमें भी नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। मैं तो यकीन करें हाथ जोड़ जो, लेकिन मैं जब देखता हूं माशरे में तासुब और मजबूर हूं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं मजबूर हूं, 9 से 10 के दरमियान वो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने दुआ दे दी कि तू सच बोलेगा, अगर तू झूठ बोलेगा तो तेरे हवास तुझे सच बोलने पर मजबूर करेंगे, अगर तू फिर भी झूठ बोलेगा तो तेरे इशारे बोलेंगे सच। तो मेरे पास इसलिए आज मेरे पास ज़्यादा मौजूदात नहीं थे, MSCI के ऊपर मैं आपके साथ बात करना चाह रहा था, लेकिन बस फिर वो मैंने ज़ेरे लब इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो फिर एक चीज़ हो जाती है। लेकिन आप जैसे मुतवाजिन शख्स के साथ बात करके मुझे मज़ा आता है, दूसरी बात यह कि आपके साथ मुझे बात करने का ज़्यादा मौका मिलता है, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ फहीमुज़्ज़मान साहब, आप मुझे बर्दाश्त करते हैं, और नाज़रीन का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ये बातें सुनते हैं, लेकिन मैं कम अज़ कम कोई कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करता शाम के रमज़ान के प्रोग्रामों के साथ, ना आँखों के डेले निकालता हूँ, ना ज़ुबान निकाल के हाथ हिलाता हूँ, ये जोकर वाली हरकतें तो अभी नहीं करता ना, सिर्फ बात ही करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतारिक रहते हैं, मैं भी, फहीमुज़्ज़मान साहब भी, इसके अलावा बिज़नेस प्लस बहुत ज़्यादा मुतारिक रहता है सोशल मीडिया के ऊपर। हमारे प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंगें भी ऑनलाइन मयसर हैं, वक्तन फ़वक्तन सोशल मीडिया के पते आपके सामने आते रहेंगे। इसके ऊपर दिल खोल के अपनी तारीफ़ें कीजिएगा, ऐप पर कहते हैं पर्दा डाल देना चाहिए, शिकायतों को भूल जाइएगा, मेरा खून दुगना होगा। इसके साथ ही अली नासिर, फहीमुज़्ज़मान और सारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।